हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, पवन सिंह के बारे में हमेशा लोग ये बोलते हैं कि पवन सिंह सेट को अच्छे से नहीं आते, लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, पवन सिंह बहुत घमंडिया आदमी है, बहुत एटीट्यूड है, ये सब बात सब लोग करते हैं लेकिन दिखता नहीं है उनको, ठीक है। कभी कभार उनको पीने का आदत है और लोग पीता भी इसलिए है जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। भाई अच्छा काम करो और फिर भी लोग उसको निगेटिव नज़रों से देखते हैं, इसलिए गुस्सा भी आता है। भाई ऐसी बात तो नहीं है, जो आदमी बड़ा हो गया उसको गुस्सा नहीं आता है, जो आदमी बड़ा हो गया उसको ये नहीं होता है। देखिए पवन सिंह के, अभी आप लोग देखे रहे कुछ यूट्यूबर है कि पवन सिंह या फिर किसी भी सिंगर के बारे में ऐसे ऐसे न्यूज बना रहे हैं जो उनके पाले ही नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे फ़ोटो एडिट करके बना दे रहे हैं। लग रहा है कि भाई वो सब सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा, मैंने ये कब किया है, उन लोगों को पता भी नहीं है और ये न्यूज बन जाती है, तो गुस्सा हर किसी को आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में कभी कभी उन लोग यूट्यूबर्स को भी ये पवन सिंह एक लाइव आकर एक बार बोले थे कि मैं तुझको मारूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने फैंस को बोलते, गुस्सा हर किसी को आता है। ऐसे ऐसे न्यूज बनेगा किसी को भी गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक प्रोड्यूसर है, आपको हम दिखा रहे हैं, उनसे आप मिलिए और उनका वीडियो देखिए कि पवन सिंह के बारे में क्या है। वो उनके साथ रहते हैं, वो लोग उनके साथ में रहते हैं, उनको बिलीव जानते हैं। आप उनके मुँह से सुनिए कि पवन सिंह कैसे बिहेवियर है और कैसे क्या है। डिफिकल्ट है या हार्ड है? सब फिल्मों के लिए कुछ चर्चा है, कोई फ्यूचर में कोई फिल्म करने वाले हैं कौन के साथ? ये फर्स्ट मूवी हम करके देखेंगे, चेक करेंगे कैसा एटमॉस्फेयर रहे, एनवायरनमेंट अगर कंफर्टेबल फील हो तो नेक्स्ट कंटिन्यू बैक टू बैक करते रहेंगे। अशोक भाई, आपने एक अभी एक बात आपने कही कि अगले साल ऐसा होगा कि भोजपुरी सिनेमा के तीनों बड़े स्टार, मैं बात कर रहा हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ की, मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह की, मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की, ये तीनों एक साथ आपकी फिल्म में आने वाले हैं, क्या आपने यही बात कही या मैंने डिस्कस किया? नहीं, यही सेम वर्ड ये आप लोग के लिए सबसे